पेपर एनालिसिस में आज जेएनयू 2004 के क्वेश्चंस को हम लोग कंसीडर करेंगे। टॉपिक है लिमिट। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेक्टर जेएनयू के पेपर को अपलोड किया है, आप उनको देख सकते हैं। नेम सेट के कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, पिछले साल भी हमने बहुत सारी सारे टॉपिक को लगभग कंसीडर किया था। इस बार फिर से हम लोग नए तरीके से बना रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ईयर शुरुआत के ईयर को टॉप कंसीडर करते हैं और टॉपिक को कंसीडर करते हैं, धीमे धीमे उसको बढ़ा रहे हैं। पिछली बार क्या कर रहे थे कि एक ही वीडियो हमने बनाया था, इस बार हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे ईयर वाइज और टॉपिक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप लगातार देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर के सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है तो आप पुराने जमाने के ख्यालात में हैं। मावला क्लासेस आ चुकी है एग्जिस्टेंस में और मावला क्लासेस ने ये सारी इस टाइप की परेशानियों को हटाने वाले, और मुझे लगता है कि आगे देखना एक एक टॉपिक के, एक एक चीज़ के क्वेश्चंस के, हर जगह हर चीज़ के सोल्यूशन होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, वो एक फ्यूचर है, मगर अभी हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। एक अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे, उसके साथ साथ जो चार पांच क्वेश्चंस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बने रहिए आगे तक। ये क्वेश्चन कंसीडर करेंगे तो दो बातें हैं, या तो आप इसको लिमिट में ले लीजिए या इंटीग्रेशन में, दोनों जगह दिखाई पड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी टास्किंग टाइप का चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इस क्वेश्चन का आराम से पढ़ लें और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लें। एक हमने थ्योरम देखी है, उसका नाम यहाँ दिख रहा होगा, लेबनीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, तो ये पीछे पड़ी रहती है, तो आप ध्यान दो, समझो। किसी भी इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन की लिमिट एक फंक्शन के रूप में हो तब उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन हो रहा है उससे पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब वैसे हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले इंटीग्रेशन करें फिर उसका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन छोटा छोटा टॉपिक थोड़ा है, इंटीग्रेशन जैसे नाम ही आता एकदम पसीने आ जाते हैं। उन्होंने एक तरीका दिया, बहुत ही अच्छा तरीका, कि ना ही आपको इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, सीधे आप अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए और इस फंक्शन को यहाँ रख दीजिए, फिर आगे जाके लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस फंक्शन को यहाँ रख दीजिए। भाई ध्यान से समझ लें, बहुत मतलब दो बातें, बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से तरीके में लिख दिया गया, तो एक छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। एक चाहे तो एनालिसिस कर रहे हैं, बट एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, लाइक जैसे कि x और साइन x है, log ऑफ t dt है, फटाफट देख लेते हैं, d अपॉन dx, इसका भी इंटीग्रेशन करना फिर डिफरेंशिएशन करना बड़ी बात है, थोड़ा पार्ट टाइम लेंगे। इसका हमने बताया इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसको यहाँ पे रख दीजिए log ऑफ cos x, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसको रख दीजिए log ऑफ x, ले ये इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बने रहिए। चलिए सॉल्यूशन देख लें। एक्चुअली क्या किया है हमने, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा होगा, तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंशिएशन किया क्यों, तो लिमिट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जब भी 0.0 फॉर्म में आए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिमिट लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर, तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0.0 फॉर्म एक लिटरल फॉर्म है, तो ऐसी जगह हम लोग एल हॉस्पिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल का मतलब है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ दी गई हो तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करिए, नीचे का अलग करिए, तो यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल लगाया कि ऊपर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और नीचे का, नीचे का देखो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको 3x² पता होगा, तो यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, पर ऊपर का डिफरेंशिएशन कोई सिंपल फंक्शन नहीं है, वही आ गया अंडर इंटीग्रेशन साइन में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लेबनीज लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, और इस अपर लिमिट को यहाँ पर रख दिया, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो इधर वाला तो पार्ट 0 का डिफरेंस 0, तो आगे क्या आएगा 0। अब सिंपल केवल आपको डिफरेंशिएशन करना है और इवैल्यूएट करना है, आपके सामने कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आएगा भाई 15x² e की पावर 5x³ अपॉन 3x² ये x² से कैंसिल, ये 5 आ गया, e की पावर 0 1, दैट इज आंसर 5। क्या आंसर 5 है कहीं, सी ऑप्शन सही हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, लिमिट में भी आ सकता है, बहुत बार आया है, तो इसको ध्यान रखें, आगे भी क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे। भाई एक स्टेप है थोड़ा सा, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मुझे लग रहा है, देखो सिंपल है, यहाँ क्या बताया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये फंक्शन जो है इसका, ये फंक्शन में केवल क्या करना होता है, इसको रखना होता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, लेबनीज में इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, फर्स्ट इनटू सेकंड, केवल और केवल क्या अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये यहाँ रखा जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंस ये आया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, निम्नसेट 2004 का लिमिट टॉपिक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए और उसके ऑप्शंस देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताएंगे।
क्योंकि जिस रूटीन मेथड से आप ट्राई करेंगे 100% ये क्वेश्चन नहीं लगने वाला। कुछ हमने सीरीज आपको एक्सपेंशन ऑफ सीरीज आप यहाँ पे लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट अगर पढ़ते हैं और ये सीरीज आपको नहीं याद है तो मुझे लग रहा है कि आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है आपका, अपडेट कर लें भाई। पाँचों सीरीज आप कंसिडर कर लो और याद कर लो, रट लो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे सोल्यूशन पर। सोल्यूशन पर ध्यान दें, यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज इसलिए बताई थी कि एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डीएल हॉस्पिटल लगाओ बेटा, डीएल हॉस्पिटल कितने बार डिफरेंशिएट करोगे? 5 बार, समझ रहे ना? हाँ, तो सीधे सीधे क्या है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसका एक्सपेंशन कर दिए सीरीज का। और देखिए ये आपके लिए, आपके हेल्प के लिए दिया गया है कि यहाँ पे ये वाला इससे कट जाएगा और ये 6 जानते हो फैक्टोरियल 3 है, इससे कट जाएगा, ये बचा यहाँ पर और आगे हायर टर्म यहाँ बचे। अब देखो एक्स पावर 5 है तो एक्स पावर 5 इससे कटेगा और बाकी में क्या है, यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर बचेगा बाकी में भी एक्स बचेगा, तो लिमिट तो रखी है ना, ये क्या बना देगी, ये पूरा टर्म को हायर टर्म को 0 बना देगी। इसको देखो काट दिया और 1/5 120 अगर याद नहीं है तो याद कर लो ठीक। और आंसर क्या है बी, क्योंकि याद करने पड़ेंगे। फैक्टोरियल 4 24 है, फैक्टोरियल 3 6 है, फैक्टोरियल 5 120 है, ये सब याद कर लो। बहुत ईजी है क्वेश्चन, मतलब ये 2004 में आया है तो निमसेट का जेएनयू का है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट ईजी है, आप लगा चुके होंगे, ऑप्शन देख लें पर फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ये फॉर्मूले अगर नहीं याद है, ये बेसिकली बिगनिंग के लिए या बिगनर्स के लिए क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उनको भी भाई ध्यान दो। सब लोग आप ही लोग करते रहोगे तो उनके लिए, वो सारे जो अपने आप को बेचारे समझते हैं और बेचारे हैं नहीं, वो अच्छा करेंगे, तो उनके लिए ये फॉर्मूले लिखे हैं। और आगे वाले स्टेप में, जैसे आगे वाले स्टेप में बस फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, आंसर सीधे सीधे आएगा। ठीक है भाई, आप पीछे वाले स्टेप को आपको ध्यान देना होगा। मैंने पूरा पूरा बैलेंस कर दिया, मतलब पत्ते पूरे बिछा दिए, शो करने बाकी हैं। 5 × x − 1/x यहाँ कर दिया और देखो x का x से क्या कर दिया, और बैलेंस कर दिया है, और यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड किया और x स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दिया। तो आप जान ही रहे कि ये फार्मूला बन जाएगा log ऑफ 5, और ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये बनेगा 1/2। तो नीचे 1/2 बनेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और आगे क्या था, log 5 कहाँ पर है, ये देखो भाई सी ऑप्शन, मार्का मेरा गिर गया है तो आप सी ऑप्शन टिक कर लो। तो 2004 में अगर आप पेपर देखेंगे तो 3 ही क्वेश्चन थे, वैसे हम लोग ज़्यादातर ऑड क्वेश्चंस कराते हैं, आप जान चुके होंगे। तो इस बार हमारे 3 ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे थे, लिमिट आप लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, सब इजी क्वेश्चन थे। और ज़रूर आप फीडबैक देते रहें, बने रहिए मारुला क्लासेस के साथ साथ, आप कहीं पर भी पढ़िए मारुला क्लासेस। इस बात पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, ये आपकी इच्छा है। बस मेरा उद्देश्य क्या है, बच्चे को MCA जो नहीं कर रहा है उसको भी करा दो। बस एक बात आप एक सपना पाल के रखो कि जो MCA नहीं भी कर रहा है उसको करवा दो, कहीं भी करवाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। MCA से बहुत लगाव है मुझे, एक अलग टाइप का है। थैंक यू, धन्यवाद।